नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के दरभंगा जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लड़के दो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ कोलकाता ले गए और वहां पर एक मस्जिद में धर्म बदलवा कर निकाह कर लिया। इस घटना को लेकर अब बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। 15 दिसंबर को लापता हो गई लड़कियां, रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सिलाई सिखाने का इंतजाम किया। उनकी बेटी 15 दिसंबर को भी सिलाई सीखने के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि दूसरे मजहब का लड़का उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। दोनों लापता लड़कियों के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने के बावजूद लड़कियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिस पर नाराजगी जताते हुए परिवार वालों ने आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं बजरंग दल ने भी मामले को लव जिहाद बताते हुए लड़कियों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मामले को तूल पकड़ते देख दरभंगा पुलिस ने दबिश डालकर कोलकाता से दोनों लड़कियों और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने कोलकाता की एक मस्जिद में पहले दोनों लड़कियों का मजहब बदलवाया, उसके बाद उनसे निकाह कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को दरभंगा कोर्ट में पेश किया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में दोनों लड़कियों के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाए गए हैं। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश मधुकर ने कहा कि देश में गरीब हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा कर निकाह के मामले बढ़ रहे हैं। यह सब काम एक ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा है जिसे खाड़ी देशों से मोटा फंड मिलता है। यह शुद्ध रूप से लव जिहाद है और हिंदू लड़कियों के शोषण की कोशिश। मधुकर ने मांग की है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।